कहीं से आजम आप आ जाइए सामने आ जाइए निशांत भारद्वाज हैं तो आप क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से बी एड कर रहे हैं और आप कब कब आप आए थे यूनिवर्सिटी में 2007 में आप यूनिवर्सिटी में आए थे आपका कहाँ से ताल्लुक है मेरा बेसिकली यही अलीगढ़ से ही है हाँ यहीं से लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली में अच्छा दिल्ली में जी तो ये बताइए जो आपने पिछले 10 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं तो आपको कहीं पर ये महसूस हुआ है कि यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का भेदभाव होता है धर्म को लेकर कास्ट को लेकर क्रीड को लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि वाहिद ऐसा इदारा है जो पूरी तरह से सेकुलरिज्म का प्रमोट करता है जहाँ पर ये कहा जाए कि हाँ अगर कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है तो मेरे माने सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलती है ये आप किन एक्सपीरियंस के बिना पर कह रहे हैं कौन कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ के ऊपर आपको ये लगा है हाँ ऐसा अक्सर हुआ है क्योंकि एएमयू में पिछले कुछ टाइम से नेशनल डिबेटर हूँ तो नेशनल डिबेट्स करता हूँ अगर मान लीजिए ऐसा होता तो निशांत को मौका क्यों दिया जाता एक निशांत खान को मौका देना चाहिए था कहीं ना कहीं ऑफकोर्स एथलेटिक्स में मैं रहा सिल्वर मेडल रहा था मेरा तो एथलेटिक्स में कुछ टाइम रहा तो एथलेटिक्स में तो ये कह सकते हैं भाई स्पोर्ट्स उसमें तो जुगाड़ सबसे ज़्यादा चलना चाहिए स्पोर्ट्स में भी नहीं हुआ उसमें भी निशांत भारद्वाज हो गया तो इतने से ऐसा कहीं ना कहीं तो है ही नहीं और फिर उसके अलावा डिपार्टमेंट में टीचर्स का हुआ हाँ गाजी भाई हुए या और सारे सीनियर्स के मशहूर ये लोग क्यों फिर मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं क्यों मुझे सपोर्ट करते हैं क्यों हर वक्त मेरे साथ रहते हैं तो नहीं रहना चाहिए था ना तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं अभी कुछ दिन पहले मुद्दा जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी से आया था कि रमज़ान के वक्त क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है अगले महीने कि रमज़ान के वक्त जो है वो नॉन मुस्लिम्स को पूरी तरीके से उनका खाना बंद कर दिया जाता है उनके ऊपर तरह तरह की एट्रोसिटीज़ होती है उनको कुछ मिलता नहीं है तो ये क्या ये चीज़ जो है सही है पॉलिटिकल स्टैंड था मतलब उन लोगों का मीडिया का था क्योंकि सब जानते हैं मीडिया कहाँ है किधर है तो एक पॉलिटिकल स्टैंड था कि कुछ ऐसा किया जाए और जाहिर सी बात है कि अगर सारे लोग मिलकर के एहतराम कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं तो इसमें आप इस तरह से किस करना तो जायज़ है ही नहीं कहीं से भी और ये जो अभी रिसेंट मुद्दा जो चल रहा है जिसमें जिन्ना की पोर्ट्रेट को लेकर एक सवाल उठाए गए हैं उस पे आपका क्या कहना है क्या आपका स्टैंड क्या है जिन्ना वाले मैटर का जो है अगर देखा जाए तो सावरकर साहब ने टू नेशन थ्योरी दी इट्स ओके उसके बाद कई लोगों ने उस पर साइन किया जिन्ना ने सबसे एंड में साइन किया था तो वहाँ पर तो इस तरह से कहना कि सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार है ऐसा कुछ नहीं है वो एक बहुत अलग चीज़ थी ऐसा वास्तव में देखा जाए तो जिन्ना ने सिर्फ एक मैप पर लाइन खींची उसने बंटवारा नहीं किया एक लाइन खींची और अगर कोई मुल्क का बंटवारा कर रहा है तो अब ये लोग कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुल्क को बांट रहे हैं जो अमीरी गरीबी के नाम पर मुल्क को बांट रहे हैं जो RSS जैसी ने यानी कितने ऑर्गेनाइजेशंस बना करके मुल्क को बांट रहे हैं जो किसानों पर गोलियां चलवा देते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए ये मुल्क को बांट रहे हैं जो कहते हैं कि BHU से हमारा ताल्लुक है वो हमारा है उसमें भगवा रंग है ये है तो फिर आपने उसमें लाठीचार्ज क्यों करवाया इस देश की बेटियों पर वहाँ आप मुल्क को बांट रहे हैं तो फिर ये कहाँ से हो गया कि इस मुल्क को जिन्ना ने बांटा था और आप इस मुल्क के सबसे बड़े देशभक्त हैं देशभक्ति तो बंदे मात्रों को जय श्री राम कहने से नहीं साबित होती है ना ऐसा तो कहीं से दूर दूर तक नहीं और जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है जो उसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं उनकी क्या डिमांड थी और आपको क्या लगता है कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके का कदम उठाया है क्या वो सही था सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब ऑफकोर्स गवर्नमेंट जिसकी है तो उसी के पाले में सब लोग हैं पुलिस अगर चाहती तो वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती ना कि उन लोगों को सपोर्ट करती कहाँ 15-16 लोग और कहाँ यहाँ हज़ारों लोग तो ये तो सबको दिख रहा है कि वो 15-16 के साथ कौन था और यहाँ हज़ारों के साथ कौन है तो अब ये है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं स्टैंड ले चुके हैं इंशाल्लाह हक तो हमें मिलकर है तो उसमें तो ऐसे कुछ है नहीं सब क्या कोशिश की गई थी वो 15-16 लोग जो हैं वो क्या कोशिश कर रहे थे उनका ये था कि अपना मतलब हिंदुत्व के नाम पर एक पाक इदारे में अपना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए जाएँ कहीं ना कहीं चीज़ें भड़क जाएँ 2019 के इलेक्शन का काम हो जाए तो यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अभी भी वही कोशिश चल रही है तो ऐसा हो सकता है आपको क्या लगता है कि इस वक्त AMU में आपकी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो क्योंकि AMU के साथ एक बहुत बड़ी वो ये कि मुस्लिम लव्स जुड़ा हुआ है AMU मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो बहुत से लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद इस इदारे में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं और कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत से और निशांत भारद्वाज होंगे ऐसा होता तो फिर सर सैयद के साथ फाउंडेशन रखते पर राजा जयकिशन दास क्यों होते ऐसा तो कहीं है ही नहीं ना तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है कोई ऐसा इदारा है जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो फिर तो अगर आप कहते हैं एएमयू नहीं होना चाहिए तो फिर बीएचयू भी नहीं होना चाहिए था कहीं, तो ऐसा तो कहीं नहीं। अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है तो उसको तो आपको और ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको प्रेशर उस पर डाल के तो उसे दबाना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए चीज़ों। तो अगर पूरे मतलब उसको समझा जाए तो ये निकलता है कि एएमयू में सेकुलर ताकतें जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, और किसी तरीके का कोई भी भेदभाव कलर को लेकर, मजहब को लेकर, सेक्ट को लेकर नहीं होता है, अगर आपकी बात को समझा जाए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी हम मानते चलिए मुल्क में है तो हम हिंदुस्तानी हैं। जब हम एएमयू के अंदर आ जाते हैं तो शायद निशांत भारद्वाज बाद में होता है और कोई इमरान गाजी साहब बाद में होते हैं, पहले हम लोग एलिग हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये सवाल कहीं उठता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स सेकुलरिज्म सबसे पहले आ जाता है। थैंक यू सो मच।